अच्छा, मैप्स तो आप सभी को पसंद ही होंगे। तो आज हम प्रेजेंट करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन मैप्स जो शायद आपका इंडिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। माय नेम इज फेनिल एंड आपने अभी अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लेट्स स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग मैप अबाउट कजिन मैरिजेस इन इंडिया। इंडियन स्टेट्स के ये कजिन मैरिज रेट्स के डेटा लिए गए है इंडिया डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट से। वैसे कजिन मैरिज ये थोड़ा वियर्ड टॉपिक है क्योंकि कुछ कल्चर्स और समुदायों में इसे एकदम नॉर्मल समझा जाता है और काफी प्रमोट भी किया जाता है, जैसे कि इस्लाम, जुडाइज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म। और वहीं कुछ दूसरे कल्चर्स और समुदायों में कजिन मैरिज पर पूरी तरह प्रतिबंध है और उसे काफी अजीब टब्बू टॉपिक माना जाता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ हिंदुइज्म और कैथोलिसिज्म। वैसे अलग अलग देशों में कजिन मैरिज के लिए अलग अलग कानून है। चाइना, जापान, फिलीपींस, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ताइवान, क्रोएशिया, सर्बिया और कोसोवो में कजिन मैरिज पूरी तरह लीगली बैन है। यूनाइटेड स्टेट्स के 50 में से 24 स्टेट्स में कजिन मैरिज पूरी तरह इलीगल है और उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, जबकि दूसरे स्टेट्स में इसके लिए अलग अलग कानून है। इसके विपरीत पूरे यूरोप, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और ज्यादातर देशों में कजिन मैरिज पर कोई बैन नहीं है और वो पूरी तरह लीगल है। अब ज्यादातर ईस्ट एशियन कंट्रीज में कजिन मैरिज इलीगल होने का मेन रीजन यही है कि बायोलॉजिकली फर्स्ट कजिन मैरिज से होने वाले बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है और इसका रिस्क ईस्ट एशिया में और भी ज्यादा है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन हाईली इथनिकली सिमिलर है। भारत में कजिन मैरिज की लीगलिटी रिलीजन और कल्चर पे डिपेंड करती है। भारत में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कजिन मैरिज रेट है। यहाँ होने वाले टोटल मैरिजेस में से 26% मैरिजेस कजिन्स के बीच ही होते हैं। वहीं त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम में सबसे कम कजिन मैरिज रेट है, less than 1%। वैसे हम देख सकते हैं कि भारत में कजिन मैरिज रिलीजन से ज्यादा कल्चर पर डिपेंड करता है। लाइक जम्मू कश्मीर जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ सिर्फ 16% कजिन मैरिज रेट है, जबकि तमिलनाडु जहाँ 87% हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ सबसे ज्यादा 26% कजिन मैरिजेस होते हैं। रिलीजन वाइज देखे तो भारत में हिंदूज में 9% जबकि मुस्लिम्स में 15% कजिन मैरिजेस होते हैं। हिंदुइज्म में पैरेलल कजिन मैरिज पर फुल्ली प्रतिबंध है, लेकिन कुछ हिंदू समुदायों में क्रॉस कजिन मैरिज को एक्सेप्ट किया जाता है। पैरेलल कजिन्स वो होते हैं जिनके पेरेंट्स एक ही जेंडर के सिबलिंग्स हो, जबकि क्रॉस कजिन्स वो होते हैं जिनके पेरेंट्स सिबलिंग्स तो है लेकिन उनके जेंडर अलग अलग है। यानी आपके चाचा के बच्चे और आपकी मासी के बच्चे आपके पैरेलल कजिन्स हुए, जबकि आपके मामा के बच्चे और आपकी बुआ के बच्चे आपके क्रॉस कजिन्स हुए। पैरेलल कजिन्स आपसे ज्यादा बायोलॉजिकली रिलेटेड होते हैं और उन्हें आपके सगे भाई बहन की तरह ही माना जाता है। इसीलिए हिंदुइज्म में पैरेलल कजिन मैरिज पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन क्रॉस कजिन मैरिज कुछ हद तक एक्सेप्ट किया जाता है। इंडियन स्टेट्स में कजिन मैरिज के रेट रीजन वाइज डिफरेंट है। हाईएस्ट रेट साउथ इंडिया में है अराउंड 23%, जबकि लोएस्ट रेट है नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 3.1%। वहीं नॉर्थ इंडियन हिंदूज में कजिन मैरिज को सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है और यहाँ तक के नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में अपने गांव के भीतर भी शादी नहीं कर सकते और दो भाई बहन भी एक गांव में शादी नहीं कर सकते। इस तरह की प्रथा आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के कई इलाकों में प्रचलित है। साउथ इंडिया में सीन थोड़ा अलग है। साउथ इंडिया में क्रॉस कजिन्स और अंकल नीस मैरिज काफी कॉमन है। ये प्रथा यहाँ के रेड्डीज और वेल्लालर्स जैसी लैंड ओनर कम्युनिटी में ज्यादा पाई जाती है, जो अपना धन फैमिली के अंदर ही रखना चाहते हैं। बट केरला इज द इम्पोस्टर स्टेट इन साउथ इंडिया। केरला में कजिन मैरिज का रेट सिर्फ 3.7% ही है, जो कि लिटरली कई नॉर्दर्न स्टेट से भी कम है। कैन एनी मलयाली एक्सप्लेन दिस टू अस? अब ओवरऑल वेस्टर्न इंडिया इस मामले में नॉर्थ इंडिया के ज्यादा करीब है कम्पेयर टू साउथ इंडिया, लेकिन डिफरेंस यहाँ भी है। उदाहरण के रूप में 90s में हुई एक स्टडी के मुताबिक मुंबई में हिंदुओं में कजिन मैरिज का रेट 7.7 था, जबकि उसी समय नॉर्दर्न सिटी दिल्ली में ये रेट सिर्फ 0.1% ही था। वहीं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कजिन मैरिज का रेट भारत में सबसे कम है। वैसे हमारे पास भारत के कुछ नेबर्स का भी डेटा है। वी कैन अंडरस्टैंड कि ओवरऑल पाकिस्तान में कजिन मैरिज का रेट काफी हाई है। करीबन आधी से ज्यादा पाकिस्तानी पॉपुलेशन हाईली इनब्रीड है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिंध में ही सबसे ज्यादा कजिन मैरिजेस होते हैं। सिंध के मोर देन 64% मैरिज कपल्स एक दूसरे के कजिन्स ही है। हम श्रीलंका में तमिल और सिंहला डिवीजन को भी देख सकते हैं, जबकि बांग्लादेश में कजिन मैरिज का रेट काफी कम है। इवन के वहाँ 90% के साथ इस्लाम मेजोरिटी में है। सो वी कैन सी द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश।
ओके, नेक्स्ट मैप है अबाउट एम्प्लॉयमेंट। इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाइज किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं? एग्रीकल्चर भारत का बिगेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर है। कल्टीवेटर यानी किसान, जो कि ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन स्टेट्स, वेस्टर्न महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर है। वहीं एग्रीकल्चर लेबर्स, जो कि वो लेबर्स होते हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, वो भारत के ऑलमोस्ट आधे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा रोजगार का सोर्स है, जिसमें पूरा बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नॉर्दर्न कर्नाटका आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बहुत थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे बड़ा रोजगार का सेक्टर है, जिनमें गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे और मुंबई, गोवा में साउथ गोवा, कर्नाटका में बेंगलुरु, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुपुर, तिरुवरूर, कांचीपुरम और चेन्नई, पंजाब में जालंधर, लुधियाना और फतेहगढ़, मध्य प्रदेश में इंदौर, हरियाणा में पानीपत, केरला में कोल्लम एंड वेस्ट बंगाल में कोलकाता डिस्ट्रिक्ट आते है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है, जैसे कि लद्दाख में लेह और कारगिल, जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा, श्रीनगर, जम्मू और सांबा, चंडीगढ़, हरियाणा में पंचकुला, झज्जर और गुरुग्राम, उत्तराखंड में देहरादून, गोवा में नॉर्थ गोवा, अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पापुमपारा एंड नागालैंड में दीमापुर डिस्ट्रिक्ट। एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर केरला के मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर है। केरला के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल और झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट्स में भी कंस्ट्रक्शन ही सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। गाइस, पंजाब के अमृतसर और आसाम के कामरूप मेट्रोपोलियन डिस्ट्रिक्ट में होलसेल एंड रिटेल ट्रेड सबसे बड़ा एम्प्लॉइंग सेक्टर है। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियन वर्कफोर्स धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन स्टिल करंटली एग्रीकल्चर ही लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर है। 2019 के मुताबिक मेजोरिटी 42.6% इंडियन वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करती है, जबकि इसके अलावा की 28% इंडस्ट्री और 28% वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में काम करती है। हियर इज द मैप अबाउट परसेंटेज ऑफ नॉन फार्म जॉब्स अक्रॉस इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स, यानी एग्रीकल्चर के अलावा की जॉब्स। ज्यादातर नॉन फार्म जॉब्स डीप साउथ, वेस्ट कोस्ट और नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में कंसंट्रेटेड है, जहां की आधी से ज्यादा आबादी खेतीबाड़ी के अलावा की जॉब्स करती है, जबकि दूसरे सभी भारत के मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में नॉन फार्म जॉब्स 20% से भी कम है, यानी यहां के 80% से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी से रिलेटेड ही काम करते हैं। अब एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा रोजगार तो प्रदान करता है, लेकिन वो इंडिया की जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन करता है, सिर्फ 15.4%। भारत में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, अराउंड 61%। सर्विस सेक्टर में भारत की कुछ बड़ी कंपनीज आती है, जैसे कि ट्रैवल, आईटी और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जबकि जीडीपी में बचा हुआ 23% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, नेक्स्ट मैप है पॉपुलेशन चेंज के बारे में। 2001 से 2021 के बीच यानी पिछले 20 सालों में भारतीय राज्यों की पॉपुलेशन कितने परसेंटेज बढ़ी है? याद रखिए, 100% बढ़ना यानी डबल हो जाना। मैप में रेड यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है और लाइट ग्रीन यानी सबसे कम। भारत में दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चेंज हुआ है। यहाँ 20 सालों में करीबन 116% पॉपुलेशन बढ़ी है, जबकि लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में सबसे कम चेंज देखा गया है, यहाँ सिर्फ 11% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। राज्यों की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, अराउंड 51%, जबकि केरला में सबसे कम अमाउंट में पॉपुलेशन बढ़ी है, 20 सालों में सिर्फ 12%। अब जितना साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे उतना ही पॉपुलेशन चेंज का फिगर बड़ा होता जाएगा। अब हाईएस्ट बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई है। हम इस पॉपुलेशन चेंज मैप को फर्टिलिटी मैप के साथ मैच कर सकते हैं। स्टेट में जितना ज्यादा फर्टिलिटी रेट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा बढ़ेगी, लाइक मोस्ट ऑफ नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स, जहाँ फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन फिर इस कंपैरिजन में दो स्टेट्स फिट नहीं बैठते, गुजरात और नागालैंड। गुजरात का फर्टिलिटी रेट 2 चिल्ड्रन पर वुमेन है, जो कि ओडिशा से भी कम है और मोस्ट ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स के करीब है। लेकिन गुजरात में पिछले 20 सालों में पॉपुलेशन चेंज 40% हुआ है, सिमिलर टू लिटरली उत्तर प्रदेश, जहां का फर्टिलिटी रेट 2.7 है। गुजरात में इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ का मेन रीजन है इंटर स्टेट माइग्रेशन। फिलहाल गुजरात में अराउंड 23 लाख प्लस इंटर स्टेट माइग्रेंट्स रहते हैं, अराउंड 5% गुजरात की पॉपुलेशन, सो वी कैन इमेजिन द कंडीशन। वैसे इंटर स्टेट माइग्रेशन के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फो के लिए आई बटन से हमारे इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, लेकिन नागालैंड में इतनी कम पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों है? नागालैंड में पिछले 20 सालों में सिर्फ 15% पॉपुलेशन बढ़ी है, जो कि भारत में वन ऑफ द लोएस्ट है।
हालांकि नागालैंड का फर्टिलिटी रेट 2.7 रहा है, सिमिलर टू उत्तर प्रदेश। एक्चुअली नागालैंड के गवर्नमेंट ने 2001 के पॉपुलेशन सेंसस डेटा को रिजेक्ट किया था, क्योंकि उनका मानना था कि नागालैंड के गांव के लोगों ने गवर्नमेंट से कुछ सहाय मिल सके इस इरादे से सेंसस में गलत इन्फॉर्मेशन देकर अपने एक्चुअल से ज्यादा बच्चे रिकॉर्ड करवाए थे। उसके बाद नागालैंड गवर्नमेंट के कैंपेन प्रयासों से 2011 सेंसस के दौरान लोगों ने सही डेटा दिया, जिससे 2011 की पॉपुलेशन 10 साल पहले के 2001 की पॉपुलेशन से भी कम रिकॉर्ड हुई। तो हमारे पास नागालैंड की पॉपुलेशन का जो 2001 का डेटा है वो हाईली कंट्रोवर्शियल है, तो हमें यहाँ एरर मिलती है। अब इसी पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण 2021 के पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक बिहार महाराष्ट्र को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बन चुका है। वहीं राजस्थान ने भी पॉपुलेशन के मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। भारत की 48% यानी करीबन आधी आबादी सिर्फ 5 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही रहती है। 2011 से 2036 के बीच भारत में जितनी पॉपुलेशन ऐड होगी उसमें से 1/3 यानी 33% सिर्फ 2 स्टेट्स बिहार और उत्तर प्रदेश ही ऐड करेंगे। ओके, अगला मैप है लैंग्वेज के बारे में। रेट ऑफ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज यानी इंडियन स्टेट में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा वहाँ के कितने परसेंटेज लोग बोलते हैं। सो अगर मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज रेट कम है तो उसका मतलब है कि वहाँ एक से ज्यादा मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती है, मींस के वो स्टेट लिंग्विस्टिकली ज्यादा डाइवर्स है। एज पर द मैप नागालैंड में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज का रेट सबसे कम है सिर्फ 12%, यानी नागालैंड में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो वहाँ के सिर्फ 12% लोग ही बोलते हैं, जो कि है कोन्याक। कोन्याक के 11.6% आओ, 8.9% लोथा, 7.6% अंगामी एंड सो ऑन। नागालैंड की ये ज्यादातर लैंग्वेजेस सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है। अब वहीं सबसे ज्यादा मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज का रेट है केरला में अराउंड 97%, जिसका मतलब है कि केरला भारत का लीस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्स स्टेट है। केरला में 97% लोग की मदर टंग सिर्फ मलयालम ही है और इसके अलावा सिर्फ 1.4% तमिल और 1.5% अदर लैंग्वेजेस बोली जाती है। हम देख सकते है कि ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट लिंग्विस्टिकली ज्यादा डाइवर्स है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना भी काइंड ऑफ डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ भी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज का रेट 75% से कम है। वैसे नॉर्दर्न इंडिया की ज्यादातर लैंग्वेजेस को सेंसस में हिंदी के अंदर ही काउंट किया जाता है, जिससे ये रैंकिंग कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में जस्टिफाई नहीं होती, क्योंकि उत्तराखंड की कुमाऊनी, राजस्थान की मेवाड़ी और बिहार की मगही लैंग्वेजेस के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी वो हिंदी के अंदर ही गिनी जाती है एज ए डायलैक्ट। क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज डेमोग्राफिक को देखें तो यहाँ 62% छत्तीसगढ़ी बोली जाती है और सिर्फ 10.6% प्रॉपर हिंदी एंड 6.8% सुरगुजिया। बट क्योंकि छत्तीसगढ़ी ईस्टर्न हिंदी का डायलैक्ट मानी जाती है अलोंग विद सुरगुजिया और दूसरी माइनर लैंग्वेजेस, तो छत्तीसगढ़ में हिंदी टोटल 82% हो जाती है। और यही सिमिलर हाल मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स में भी दिखता है, क्योंकि किसी भी नॉर्थ इंडियन स्टेट में हिंदी मेजोरिटी में नहीं बोली जाती, बल्कि सभी स्टेट्स में अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस है बट वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई है। ओके, ज्यादातर भारतीय मल्टीलिंगुअल होते हैं, यानी एक से ज्यादा भाषाएं जानते हैं, और इंग्लिश भारत की सेकंड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज को भी गिने तो। इंडिया इज लिटरली द सेकंड बिगेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। हमारे पास एक सर्वे मैप है कि इंडियन स्टेट्स में कितने परसेंटेज लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। ये सर्वे लोक फाउंडेशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। रिजल्ट थोड़ा सरप्राइजिंग है। सर्वे के मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर में 2.4% से भी कम लोगों ने माना कि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। वहीं गोवा, उत्तराखंड और मेघालय में 21 से 44% लोगों ने रिस्पांस दिया कि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 6% भारतीय रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और इसमें भी रूरल इंडिया में सिर्फ 3% और अर्बन इंडिया में 12%। सर्वे में पाया गया कि भारत में इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी रिलीजियन पर भी डिपेंड करती है। भारत के 15% क्रिश्चियन, 6% हिंदू और 4% मुस्लिम इंग्लिश बोल सकते हैं। कुछ स्टेट्स जो हाई इनकम वाले प्रोस्पेरियस है जैसे कि हरियाणा एंड दिल्ली, और कुछ स्टेट्स जहां क्रिश्चियंस ज्यादा है जैसे कि गोवा एंड मेघालय, वहां ज्यादा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पाई गई। आसाम एक एक्सेप्शन रहा, क्योंकि आसाम में पर कैपिटा इनकम भी कम है और यहां क्रिश्चियंस भी कम है, लेकिन फिर भी सर्वे में इंग्लिश बोलने वाले लोग ज्यादा पाए गए। सर्वे के मुताबिक 37.5%
परसेंट इंडियंस मल्टीलिंगुअल है, जिनमें मराठीज और गुजरातीज में मल्टीलिंगुअल होने की शक्यता सबसे ज्यादा पाई गई, क्योंकि ज्यादातर मराठी और गुजराती नेटिव स्पीकर्स उनकी नेटिव लैंग्वेज के अलावा हिंदी भी बोल सकते हैं। हालांकि ये सर्वे के डेटा हमारे 2011 सेंसस के डेटा से थोड़े अलग है। सेंसस और सर्वे के डेटाज में उत्तराखंड, गुजरात और आसाम मैच नहीं करते, क्योंकि सेंसस के मुताबिक गुजरात में 12% इंग्लिश स्पीकर्स है, लेकिन सर्वे में 2.4% से भी कम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि वो इंग्लिश बोल सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में सेंसस के मुताबिक 8% इंग्लिश स्पीकर्स है, लेकिन सर्वे में 21% से ज्यादा लोगों ने कहा कि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। हालांकि दूसरे ज्यादातर स्टेट्स दोनों डेटाज में काइंड ऑफ मैच होते हैं। सेंसस के मुताबिक भारत में सबसे कम इंग्लिश स्पीकर्स छत्तीसगढ़ में है, जहां की सिर्फ 2% पॉपुलेशन इंग्लिश बोल सकती है, जबकि सबसे ज्यादा गोवा में है एट अराउंड 42%। वैसे आप बताइए कौन सा रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है, सेंसस या लोक फाउंडेशन सर्वे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नई इंटरेस्टिंग जानकारी मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ क्लिक कर हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।